तुम्हारे भैया ने जहर दे करके मरवा दिया हरदौल को। और मौसी डाइन मरियोरी पूत है मैंने खाओ सुन के मर आज भैया को बहना धरण गिरी दिभेरा जन मूड पटक न तोर धरती अते चूड़िया छाल छाल हो जाई हरा न हो जाए अब को दुख मरने बा समय को मेरी हजी बेदा खाई क्या हुआ लोगो इधर तो बहन बेहोश हो गई और तब तक जुझार आ गया। जुझार ने जो बहन को देखा तो गोदी में ले लिया लेकिन छटक के खड़ी हो गई और कहने लगी अरे हत्यारे तूने मेरे शरीर को क्यों स्पर्श किया है। भैया दो मरबारी की ऐसी कठिन छाती करी खाओ न करिया नांगने ना बिजली तो पे परी। अरे दुश्मन तू भैया है बुंदेले वंश का दीपक जो टिमटिमाता था उसे तूने गुल कर दिया और भैया को मरा करके कुल को कलंकित बना दिया। जाती हूँ मैं तेरे न जीवित आऊंगी खून मुख तेरो कभी तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूँ कहा कहूँ जबान बिगारूं तेरो जन्मन द्वार निहारूं। और क्या बोली अरे दुष्ट एक बात बता दे तुन कैसे जहर की कह दई रे बात आ देने का मेरो बीरा रो करके बोली है जहर की कही बताइए बीरा तरता तुम परी नजीब परे नहीं कीरा। दुश्मन मेरे बीरा अब ससुरे को जाऊंगी जब तक जिंदा रहूं न तेरे द्वारे हम आऊंगी बहन तो रथ में बैठ गई जाई ले भैया की खबर लली ससुरे में पहुंची आई मेरे दादा बहन की निकरी ना गासी सुन हर दौल को मरन रोए ले दतिया के बासी। आज दतिया के लोग रोने लगे कहने लगे भैया ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब का फिर आवेगो। अब नहीं आवेगो कन्हैया अब नहीं आवेगो ऐसो सुंदर सुगर महात्मा अब क्या। इस तरह से परम भक्त हरदौल खत्म हुए हैं लोग। बहन को अवगत हो गया धीरे धीरे वक्त गुजरता गया बहन कुंजावती की बिटिया की शादी आ गई। घर में हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन बहन कुंजा की लाश रो रही है। कुंजा की नंद कहने लगी भाभी तेरे घर में ब्याह तेरी बेटी का और गीत भात के गालेरी तेरो जेठो भैया है जुझार तू बापे भात मंगा ले री तेरे साथ में भाभी जब भात न्यूतन को जाऊंगी और इसी बहाने से गुइया तेरे पियर को लखियाऊंगी।
छत पर की बात बहन को सुध भैया की आई गई है। कहने लगी है अपने भैया पे भात मंगा लो। कुंजावती कहने लगी हरी बहना मेरो भतैया तो संसार को छोड़ के चलो गयो है। ऐसा करो न जाओ तो एक चिट्ठी लिख दो अपने भैया के लिए। तो चिट्ठी लिखने लगी कुंजावती। क्या लिख रही चिट्ठी? अरे सिद्ध श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, हमने तो लाई रे अब शरण तुम्हारी। अरे माफ करो मैंने द्वार पे दही रे हजार ने गारी। भानज तेरी को ब्याऊ रचायो रे ब्याऊ भैया ब्याऊ। हाँ हाँ ब्याऊ रचो और भात की बीर करो रे तैयारी। स्वीकारी प्रणाम मेरो स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे बिरन और अच्छे के तपेधारी। ये चिट्ठी लिख करके नाई को दे दी है। जब नाई दतिया से ओरछे में जुझार की कचहरी में पहुंचा तो जुझार ने उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ करके जुझार की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। ए नाई ये चिट्ठी कहाँ की है? आपने पढ़ी नहीं? हाँ जिसमें कुंजा कुंजा नाम की कोई लड़की है उसको तो मैं जानता भी नहीं। अरे हाँ एक लड़की है जरूर लेकिन वो मेरी बहन कहाँ है? अरे वो तो उस नाला खरदौल की बहन थी, वो खत्म हो चुका है। और क्या कहा? जाओ कह देना जाके इस लड़की से कि जिस दिन इसके यहाँ बारात आएगी हमें बहुत जरूरी काम है। कहाँ जाएंगे आप? तो क्या बोला? मैं बादशाह से मिलने नाई दहली ये जाना। मैं बादशाह से मिलने दहली जाना लड़की तो कह दिए जाइन हुई है आना। महाराज कह दिए उस बेहा से जाए तेरो भैया है हर दौल भूत पहले वे भात मंगाई। बमर घट में मांग ले भात भूत बक भैया हुई है। भैया हुई है भूत बको भैया हुई है। बमर घट में मांग ले भात भूत बको भैया। कह देना जाके लड़की से चल दिया नाई। इधर बहन कुंजावती के दिल में अरमा था कि मेरी चिट्ठी को पढ़ के भैया बड़ा खुश हुआ होगा लेकिन उसे नहीं पता है कि छाती छोल दी भैया ने। आंगन में बैठी है। आ जाने दो नाई को एक एक बात पूछूंगी। मेरी भाभी ने मेरे बारे में क्या कहा है? भैया कितना खुश हुआ तो नाई।
अरे आ गए, कहो मेरी चिट्ठी को देख भैया कितना खुश हुआ था। नहीं कहने लगा बको नहीं, वो तुम्हारा भैया कहाँ है? उसने कह दिया अगर वो भात चाहती तो अपने मरे हुए भैया पे भात मांग ले। लोगो बहन के खोपड़े में बम फट पड़ा। संकल्प किया अगर मरे हुए भैया से भात मरघट में जाके मांगूंगी और उसने भात न दिया तो जिंदा दतिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। चल दिए मन में ये नहीं विचार किया।